तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में इस तरह घुसने की? और मेरा नेकलेस तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? प्रिया चिल्लाकर अपनी ननद रागिनी से बोली। रागिनी बोली, भाभी मैं तो बस आपको मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलाने आई थी। माँ ने कहा है नीचे सब मेहमान आ चुके हैं, तो आप भी जल्दी आ जाइए। और आपका यह नेकलेस बाहर नीचे पड़ा था जो मैंने नीचे से अभी उठाया। प्रिया बोली, हाँ हाँ ठीक है, लाओ दो। और मुझे जरा नीचे आने में समय लगेगा, क्योंकि मुझे वैसे भी ये सब चोचले पसंद नहीं है। प्रिया और राकेश की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। राकेश प्रिया के पापा सुरेंद्र जी के सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता था। भाई उन्हें वह अपनी बेटी प्रिया के लिए पसंद आ गया और उन्होंने राकेश से प्रिया की शादी की बात चला दी। राकेश भी प्रिया से शादी करने तैयार हो गया। तब राकेश की माँ पार्वती जी ने राकेश को समझाया था कि प्रिया एक बड़े घर की मॉडर्न ख्यालों की लड़की है, क्या वह हमारे मिडिल क्लास घर में अपनी जिंदगी गुजार पाएगी? तब राकेश ने कहा था, माँ वह मॉडर्न जरूर है मगर उसका व्यवहार अच्छा है। बेटे की बात मानकर पार्वती जी ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। जैसे ही प्रिया और राकेश की सगाई हुई, प्रिया ने सगाई में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शादी की शॉपिंग के लिए जब पार्वती जी ने प्रिया को अपने साथ चलने कहा, तो प्रिया बोली, आंटी जी मेरी पसंद बहुत भारी है और आप लोग मुझे 20-30 हज़ार रुपए का लहंगा पसंद करवाएंगे, मगर मुझे तो 1,00,000 रुपए तक लहंगा लेना है, इसलिए बेहतर होगा मैं अपनी सहेली को ले जाकर अपने लिए लहंगा ले आऊं। तब पार्वती जी और रागिनी को बहुत बुरा लगा। अब ये हर बारी का हो गया था। प्रिया हर बार अपने पैसों का घमंड अपनी सास और ननद को दिखाती और हर बात पर उनका अपमान करती रहती। राकेश और प्रिया की शादी के तुरंत बाद प्रिया के पापा ने उन दोनों के हनीमून जाने की टिकट्स निकाल दी और 2 दिन पहले पूरे 15 दिन बाद वे लोग हनीमून से लौटे थे, इसलिए पार्वती जी ने मुंह दिखाई की रस्म आज रखी थी। मगर प्रिया को इन सब रीति रिवाजों से कोई मतलब ना था, इसीलिए वह नीचे जल्दी नहीं जाना चाहती थी। एक रोज रागिनी अपनी सहेली के घर पढ़ने गई थी और पार्वती जी कीर्तन में गई थी। प्रिया सो रही थी इसलिए वे लोग बिना बताए चले गए थे। उनके आने के बाद प्रिया ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और बोली, माँ जी आप मुझे थोड़े समय बाद फोन करके बता सकती थी, और रागिनी तुम्हें तो बस पढ़ाई के नाम पर गुलछरे उड़ाने आते हैं। आज तो प्रिया ने बोलने की सारी हदें पार कर दी थी। जब पार्वती जी ने राकेश से बहू को समझाने की बात कही, तो राकेश भी प्रिया की ही भाषा बोलने लगा और बोला, माँ सही तो कह रही है प्रिया, रागिनी पढ़ाई का नाम लेकर बाहर क्या करती है ये हम थोड़ी जानते हैं, और आप भी भजन कीर्तन कम कर घर पर ही ध्यान दीजिए। बेटे के मुंह से भी ऐसे कड़वे शब्द सुनकर पार्वती जी और रागिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तब पार्वती जी ने रागिनी को अपने से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए भेजने का दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि अब रोज घर में प्रिया किसी ना किसी बात को लेकर किच किच करती रहती। रागिनी को बाहर भेजने का फैसला सुनकर प्रिया बोली, माँ जी हम लोगों से रागिनी की पढ़ाई या हॉस्टल में रहने की फीस का खर्चा भरने की उम्मीद मत कीजिएगा। रागिनी बोली, भाभी इसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए मेरा खर्चा वहां माफ कर दिया गया है। पार्वती जी प्रिया के कड़वे शब्द सुनकर बोली, प्रिया इतना घमंड अच्छा नहीं है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रागिनी दूसरे शहर पढ़ने चली जाती है और यहां प्रिया और राकेश अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। प्रिया की छोटी बहन रिंकू की शादी में प्रिया 1 महीना मायके में ही रुक जाती है और खूब पैसे उड़ाती है। राकेश और प्रिया अब आए दिन बाहर घूमने जाते और बाहर से ही खाकर आते, जिस वजह से राकेश हॉस्पिटल में अपनी सैलरी के अलावा ऊपर से भी पैसे उठाने लगा था और बहुत से कामों में गद्दारी भी करता। जब ये बात प्रिया के पापा सुरेंद्र जी को पता चली, तो उन्होंने प्रिया को घर बुलाकर ये सब बताया। उस पर प्रिया बोली, हाँ तो पापा आपका जो कुछ भी है हम बेटियों का ही तो है। सुरेंद्र जी बोले, बेटा तुम्हारी बहन रिंकू का पति खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वह हमारे ऊपर आधारित नहीं है। मैंने राकेश को ईमानदार समझकर तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दिया था, मगर शायद तुम्हारे इतने खर्चों के कारण राकेश भी अब गद्दारी करने लगा है। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो मुझे उसे नौकरी से निकालना होगा। प्रिया बोली, पापा आप ये मत भूलिए कि मैं भी जमीन जायदाद के लिए आप पर केस कर सकती हूँ। राकेश और प्रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिस वजह से सुरेंद्र जी ने राकेश को नौकरी से निकाल दिया
और प्रिया को धमकी दी कि वे चाहे तो राकेश पर गद्दारी करने का केस कर सकते हैं, मगर दामाद के ऊपर केस करना उन्हें शोभा नहीं देता, इसीलिए छोड़ रहे। यहां राकेश और प्रिया एक दूसरे से झगड़ने लगते और जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम एक दूसरे पर लगाने लगते। वहां दूसरी ओर रागिनी अपनी परीक्षा में पास हो जाती है और उसे पुलिस अधिकारी की नौकरी मिल जाती। यह सुनकर प्रिया और राकेश प्लान करते हैं कि अब उन्हें रागिनी को अपने पक्ष में लेना है, क्योंकि वह उनके आगे काम आ सकती है। प्रिया आज 2 सालों बाद अपनी सास से मीठी बातें करती है और रागिनी के आने के उपलक्ष्य में ढेरों पकवान बनाती है और उसके आने का स्वागत करती है। पार्वती जी भी आज बहू के मीठे शब्दों से खुश होती है। जैसे ही रागिनी आती है, प्रिया उसका फूल मालाओं से स्वागत करती है। घर में बने ढेरों पकवानों को देख रागिनी को वह दिन याद आ जाता है जब प्रिया ने उन्हें एक बार सब्जी रोटी तक के लिए सुना दिया था। रागिनी बोलती है, माँ चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। प्रिया बोली, रागिनी तुम हम सभी को कहीं घुमाने ले जा रही हो क्या? चलो हम भी चलते हैं, कहकर वह बाहर रागिनी की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है। रागिनी बोली, भाभी पुलिस अधिकारी की गाड़ी में बैठने की आपकी औकात नहीं है। राकेश बोला, ये कैसी बातें कर रही हो रागिनी, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? रागिनी बोली, मैं तो बस आप दोनों की भाषा ही बोल रही हूँ भैया। पार्वती जी बोली, मैंने कहा था ना बहू, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रागिनी अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर अपने नए घर लेकर चली जाती है और राकेश और प्रिया एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं।